हेलो दोस्तों, मैं हूं गरिमा। वेलकम टू माय चैनल गरिमा जेमी फूड रेसिपीज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए शलजम से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूं। शलजम की सब्जी हर घर में बनती होगी। सर्दियों में बहुत सारे लोगों को शलजम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जैसे मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए मैं अक्सर शलजम की सब्जी बनाया करती हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली जो सब्जी बनाई नए तरीके से, वो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करूँ। तो ये शलजम की रेसिपी बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली सब्जी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से बन जाएगी ये रेसिपी। तो आइए फटाफट से बढ़ लेते हैं रेसिपी वीडियो की तरफ। और एक बात और कहूँगी कि रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है एक कढ़ाही में। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शलजम को छील लेंगे, उसे पीसेस में कट कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। और उसके बाद से यहाँ पर तेल गर्म ही हो चुका है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि शलजम को मैंने यहाँ पर गरम तेल में डाल दिया है। शलजम को आप अच्छे से छीलें, ऊपर से जो रेड पार्ट है वो हटाकर अलग कर दें, क्योंकि जो रेड पार्ट होता है उसमें थोड़ी कड़वाहट ज़्यादा होती है। तो आप अच्छे से शलजम को क्लीन करें, रेड पार्ट हटाएं, और उसके बाद से इस तरह से चौकोर पीसेस में काट लें। और मीडियम फ्लेम पर शलजम को इस तरह से फ्राई करें, बीच बीच में चलाते रहें। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं शलजम फ्राई हो चुकी है, तो इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। जो बाकी का बचा तेल है वो हम अपनी सब्जी में यूज़ कर लेंगे। तो बाकी बचा जो तेल है इसी में मैं अब सब्जी बनाऊंगी, हमें अलग से तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तेल में हम अब डालेंगे जीरे का तड़का। अगर आपको जीरा नहीं पसंद तो आप यहाँ पर राई का भी तड़का दे सकते हैं सब्जी में। तो जीरा जब तड़क जाए, तब मैंने क्या किया है कि एक प्याज को बारीक काट कर इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो भी आप इस सब्जी को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। प्याज को आप स्किप करके यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल सकते हैं। तो बस प्याज को हम यहाँ पर थोड़ा सा लाल फ्राई कर लेंगे। और अभी यहाँ पर प्याज लाल फ्राई हो चुकी है, तो मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी धीमी आंच पर थोड़ा सा भूनेंगे, जब तक इसकी कच्ची महक ना निकल जाए। और अदरक लहसुन को भूनने के बाद हम यहाँ पर कुछ पिसे मसाले ऐड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले दाना है धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी का पाउडर। तो बस इन मसालों को धीमी धीमी आंच पर थोड़ा सा फ्राई करूंगी मैं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मसाले एकदम सूख से गए हैं, तो आप चाहें यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मसाले हमारे जले नहीं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ बहुत थोड़ा सा पानी, जिससे कि मसाले का जलने का डर खत्म हो जाता है और मसाले अच्छे से भून भी जाते हैं। तेल डालने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा मसालों में पानी डाल दिया करें, जिससे मसाले भून जाते हैं धीमी धीमी आँच पर। तो बस इन मसालों को हम इसी तरह से चला फिरा कर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और ध्यान रखें कि आँच एकदम सिम रहेगी। तो मसाले भुनने के बाद अब टाइम है देसी टमाटर ऐड करने का। जी हाँ, ये देसी टमाटर है लाल वाले, आप चाहें तो हरे टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। और टमाटर के साथ ही साथ हम नमक भी ऐड करेंगे, जिससे कि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पर हम धीमी आंच पर इस मसाले को धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे, जिससे कि टमाटर गल जाएँ और अच्छे से मसाला भून जाए, जब तक कि तेल ना छोड़ दे। तब तक हम इसे ढक भी सकते हैं, ढककर पकाएंगे। और अब ढकने के बाद एक बार मैं मसालों को चेक कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मसाले ने कितने बढ़िया से तेल छोड़ दिया है, टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। तो इस तरीके जब अब मसाले हो जाए हमारे, तब हम यहाँ पर जो फ्राई किए हुए शलजम है उन्हें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सारे तेल को झाड़ ले रही हूँ जो भी शलजम में लगा था। और इसी के साथ ही साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा गर्म मसाले का पाउडर, साथ ही थोड़ा सा मैं डालूंगी भुने जीरे का पाउडर। जी हाँ, ये जीरे का पाउडर जो है भुना हुआ है। और अगर आपके पास भुने जीरे का पाउडर ना हो तो आप मसालों के साथ ही जीरे का पाउडर डालकर भून सकते हैं। और इसके अलावा ऐड कर दी है कसूरी मेथी। तो बस तीनों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब शलजम को हम मसालों के साथ धीमी धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट ढककर पका लेंगे। तो 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं शलजम को हम पहले चेक करेंगे कि शलजम गली है या नहीं। तो यहाँ पर शलजम अच्छे से भून चुकी है, गल चुकी है। मैं यहाँ पर अब ऐड कर रही हूँ ग्रेवी के लिए पानी। ग्रेवी आपको जैसी रखनी है वैसी आप रख सकते हैं, पतली या फिर गाढ़ी। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल ग्रेवी रखी है, ना ही ज़्यादा गाढ़ी है ना ही ज़्यादा पतली है। इसके लिए 1 छोटे कप से पानी ऐड किया है। और पानी को यहाँ पर इस टाइम पर हम एक उबाल आने तक पकाएंगे। जब तक कि ग्रेवी में उबाल ना आ जाए, तब तक इसे ऐसे ही खोल कर पकाना है। और अभी आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में उबाल आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि गैस की फ्लेम को एकदम सिम करूँगी और इसे ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए, जिससे कि शलजम में जो भी कसर हो और ग्रेवी जो पकनी है वो पक जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि सब्जी कितनी बढ़िया दिख रही है, टेस्टी दिख रही है, और शलजम थोड़ी सी फिसल रही है। तो यहाँ पर मैंने शलजम को चेक कर लिया है, शलजम अच्छे से गल चुकी है। तो बस सब्जी हमारी लगभग बनकर तैयार है। तो यहाँ पर अभी सब्जी बनकर तैयार है दोस्तों, और मैंने गैस को बंद कर दिया है। आप चाहें तो इसमें हरी धनिया भी डाल सकते हैं। तो बस ये टेस्टी सी सब्जी तैयार है सर्व होने के लिए, रोटी या फिर पराठे के साथ या फिर राइस के साथ भी खा सकते हैं आप। तो सब्जी की रेसिपी कैसी लगी हो? अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नई नई टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।
थैंक यू।